सरकार की नीतियों के खिलाफ आयकर वाणिज्य कर विभाग के कर्मचारियों ने अपने कार्यालय के बाहर क्रमिक अनशन की शुरुआत की। 1 जून से 10 जून तक चलने वाले इस आंदोलन में अजमेर और अलवर के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आंदोलन की शुरुआत की। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने आरोप लगाए कि सरकार उनके पदनामों से खिलवाड़ कर बाहरी व्यक्तियों को इस विभाग में लाने की कवायद कर रही है, जिसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे कर्मचारियों ने सरकार की नीति को जमकर कोसा और कहा, इस तरह के कार्य कर्मचारियों में रोष की वजह बन रहे हैं। राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा संघ के आह्वान पर आज 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक हम लोगों ने क्रमिक अनशन रखा है, जिसकी शुरुआत अजमेर और अलवर जोन से आज की गई है। 1 तारीख से हमारी मुख्य 3 मांगे हैं, जिसमें पहली मांग है कि ACTO जो वर्तमान में है उनका पदनाम असिस्टेंट कमिश्नर किया जाए और साथ ही 5400 ग्रेड पे पेमेंट 3 में हमें दी जाए। इसके अलावा जितने भी आगे ऊपर के हमारे जो पद सोपान हैं उन्हें भी CBEC के अनुरूप किया जाए और कोई भी CBEC का अधिकारी या IRS हमारे डिपार्टमेंट में, यानी बाहर का कोई भी अधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग में डेपुटेशन पे ना लगाया जाए। इन 3 सूत्री मांगों को लेकर हम मूलतः धरने पर हैं और 10 तारीख तक हम ये क्रमिक अनशन रखेंगे। उसके बाद भी सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम पुरजोर तरीके से हड़ताल की चेतावनी दे चुके हैं और वो हम उस पर कायम रहेंगे। आज कौन कौन क्रमिक अनशन पर बैठे हैं? क्रमिक अनशन पे अजमेर और से हम लोग मेडता सिटी से, नागौर से, मकराना से, ब्यावर से, किशनगढ़ से शामिल हुए हैं। लगभग सभी सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर अधिकारी और हमारे सहायक वाणिज्यिक अधिकारी यहाँ अनशन पर मौजूद हैं। साथ ही हमारे अजमेर संभाग के जो उपायुक्त प्रशासन है दिनेश चंद्र गुप्ता सर, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ। अगला कदम हमारा सिंपल एक बात कहने का है कि जब हम एक देश एक कर और एक बाजार की बात कर रहे हैं तो हमें एक समान अधिकार भी मिलने चाहिए। जब सभी लोग एक जैसे कर को ग्रहण करेंगे, जब उस पर प्रशासन एक जैसा होगा, तो कर प्रशासन तभी एक जैसा हो सकता है जब केंद्र और राज्य दोनों के कर्मचारियों को समान अधिकार मिले और समान रूप से वो कर प्रशासन को ठीक से कर सके। आपका नाम बताएं? गोविंद चौहान, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, किशनगढ़।